Hey guys, आज मैं बनाने वाली हूँ पिज्जा। पिज्जा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, 3 कप मैदा लिया है, 1 लेने के बाद मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर दे दिया है 1 चम्मच, बाद में मैंने बेकिंग सोडा दे दिया है 1/2 चम्मच, बाद में मैं दही दे दिया है 3 बड़े चम्मच, दही देने के बाद मैं पोड़ा मिक्स करूंगी। पोड़ा मिक्स करते रहूंगी। मैं बाद में थोड़ा रिफाइन ऑयल डाल दिया है, ये भी पोड़ा मिक्स करूंगी। देखिए कितना सुंदर हुआ है। बाद में मैंने यहाँ पे एक पैन बिठा दिया है, थोड़ा सा ऑयल ग्रेस कर दूंगी। देखिए मैं ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे करके बड़ा कर लूंगी। बाद में मैं एक काटा चम्मच से ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा कर दूंगी ताकि ज्यादा नहीं फूले। बाद में मैंने सॉस डाल दिया है, ये मेरा होममेड सॉस है। सॉस देने के बाद मैंने शिमला मिर्च, टमाटो, प्याज काट के रखा था, ये सब दे दूंगी। देने के बाद मैंने यहाँ पे चीज, ये मेरा होममेड चीज है, ये भी मैं घर पे बनाया है, ये मैं डाल दूंगी। इस चीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लेना। मैं पूरा दे दिया है। ओरिगेनो यहाँ पे अभी दे रही हूँ। ओरिगेनो देने से बाद में मैंने चिल्ली फ्लेक्स दिया है। मैंने कवर कर दिया है 10 मिनट बाद। देखिए थोड़ा थोड़ा पक रहा है अभी। ये हो गया है, मैं एक प्लेट में निकाल लिया। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होगा। ये मैंने काट लिया है, देखिए कितना चीजी चीजी लग रहा है ना बाजार जैसे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना।